हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। आज की वीडियो में हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे जेके जो पुलिस है उसके एसआई के फॉर्म निकले, आपको पता, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप कॉन्स्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप JKSSB JKPSC की किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैनल पर आपको सभी तरह की वीडियोज़ मिलेंगी, रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, कुछ भी हो, आपको सभी बस प्ले लिस्ट में जाना है, आपको वीडियोज़ को देखना है और शेयर करना है। आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन के क्वेश्चंस, बाकी की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। अब देखो, डायरेक्शन के क्वेश्चंस की बात करें, किसी भी एग्जाम की आप बात करोगे, सिर्फ JNK के लेवल की बात नहीं, अगर आप SSC का एग्जाम दे दो, रेलवे का दो, वहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड कराऊंगा, फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हो बिना डायग्राम को बनाए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर किसी को इसका कंसेप्ट नहीं पता, आइडिया नहीं पता, वो भी इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सके। अब सिंपल डायरेक्शंस के बारे में आपको पता, चार तरह के डायरेक्शंस हैं मेन हमारे पास, डायरेक्शंस हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, इस तरह से बना दूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्दर्न साइड, साउदर्न साइड, ईस्ट और वेस्ट साइड, ये चार डायरेक्शंस आपको पता है, चार डायरेक्शंस रहती हैं हमारे पास। ठीक है, अब अगर किसी को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि नॉर्थ ऊपर आता है या ईस्ट कहाँ पर आता है, वेस्ट कहाँ पर आता है, तो उसके लिए एक छोटे से ट्रिक समझ लो, उसकी हेल्प से आप ये चीज़ें भी कभी नहीं भूल पाओगे। ये उनके लिए है जिनको इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, अब नॉर्दर्न साइड की बात करें, एन की बात करें, एन से नोज़ हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ आता ना, तो नॉर्दर्न साइड भी ऊपर की तरफ आएगी। क्लियर हो गया, एन से नोज़ याद रखना, तो नॉर्थ के अपोजिट तो साउथ होगा, इतना तो आपको पता होगा, इतना क्लियर हो गया। अब ईस्टर्न साइड के ट्रिक समझो, ई से ईट, ईट का मतलब खाना, हम खाना कौन से हाथों से खाते हैं, राइट हैंड से खाते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, वेस्ट साइड। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो डायरेक्शंस के बारे में, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, इनके बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस की तरफ। कार्डिनल डायरेक्शंस कैसे, जैसे अगर कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर यहाँ पर पड़ा है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ना वो नॉर्दर्न साइड में है, ना ही वो ईस्टर्न साइड में है। तो इस तरह की डायरेक्शंस को हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हम बोलेंगे वो नॉर्थ ईस्ट साइड में है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, क्लियर हो गया। वैसे अगर हम यहाँ पर आ जाएँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गए कार्डिनल डायरेक्शंस, इतना क्लियर हो गया। सब डायरेक्शन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब एक को चीज़ याद रखना, जैसे क्वेश्चन में आपके काम आएगा, ठीक है, जैसे हमारे पास डायरेक्शन आ कि नॉर्दर्न साइड, साउदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, अगर आपको कभी कहा जा रहा है कि मान के चलो आप नॉर्दर्न साइड में हो, ठीक है, मान के चलो आप नॉर्दर्न साइड में हो, आपको कहा गया कि आप राइट साइड मूवमेंट कर रहे हो, आपको जब भी कहा जाएगा नॉर्दर्न साइड में, मान के चलो आपको कहा जाए राइट साइड मूव कर रहे हो, तो राइट साइड का मतलब क्या हुआ, आप इस तरफ आओगे, ईस्ट की तरफ आओगे। तो जब भी राइट साइड की बात की जाएगी या फिर क्लॉकवाइज बात की जाएगी, तो आपको कहाँ पर आना है, जैसे नॉर्थ साइड में हो, क्लॉकवाइज क्या हुआ, ऐसे इसी तरह से आओगे ना, क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी काम करती है वैसे ही, ठीक है, या राइट साइड, कहने का मतलब है कि क्लॉकवाइज अगर गिवन होगा तो उसका मतलब होगा राइट साइड में। अगर आप मान के तो साउदर्न साइड में हो, आपसे कहा जाए आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो यहाँ से आप वेस्टर्न साइड में आओगे, यानी कि राइट साइड में आओगे, क्लियर हो गया। वैसे अगर आपको लेफ्ट साइड कहा जाएगा, तो उसका मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर हो गया। जैसे आप साउदर्न साइड में हो, आपको कहा जा रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो आप कहाँ पर आओगे, ईस्ट साइड में आ जाओगे, या फिर कहा जा रहा है लेफ्ट साइड आओ, तो आप ईस्ट साइड में आ जाओगे, इतना क्लियर हो गया। क्लॉकवाइज का कंसेप्ट समझ आ गया, क्लॉकवाइज का मतलब राइट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में आपको जाना है, क्लियर हो गया। क्वेश्चंस में और समझ आएगा। अब क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसे अगर आपको कंसेप्ट आया तो करके बताओ, सेकंड्स में करना है इसको, ठीक है। मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, पहले ट्रेडिशनल मेथड कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा ट्रिक से इसको किस तरह से किया जाता है। देखो यहाँ पर कहा गया, फ्रॉम हर हाउस अवंतिका वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, ठीक है, देन शी टर्न वेस्ट एंड कवर, जो भी है। मैं आपको पहले डायग्राम वाले तरीके से बताता हूँ, जिससे कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं प्रिपेयर वगैरह, जो भी कर सॉल्व करते हैं। अपने घर से अवंतिका जो है वो 15 किलोमीटर नॉर्दर्न साइड गई, मान के चलो ये अवंतिका घर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से उसने क्या किया, मैं एक साइड में डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, यहाँ पर ये नॉर्दर्न साइड, साउदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, इतना क्लियर हो गया, डायरेक्शन बन गई यहाँ पर। अब आगे देखो, यहाँ पर कहा गया फ्रॉम हर हाउस अवंतिका वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, अवंतिका यहाँ से नॉर्थ साइड में गई, कितना, 15 किलोमीटर,
नॉर्दर्न साइड मतलब ऊपर की तरफ ये 15 किलोमीटर अवंतिका आ चुकी है, अब अवंतिका यहाँ पर है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद कहा है देखना यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, जो जिस तरीके से मैं कराऊंगा उसमें कितना टाइम लगेगा। देन शी टर्न वेस्ट, यहाँ पर आने के बाद वेस्ट साइड टर्न किया उसने, वेस्ट यानी कि इस तरफ टर्न किया होगा, इस तरफ टर्न किया और कितना टर्न किया 10 किलोमीटर, मान के चलो उसने 10 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल किया वेस्ट साइड में। उसके बाद कहा है देन शी टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फिर वो साउदर्न साइड में आई, साउदर्न साइड मतलब क्या हुआ नीचे की तरफ आई, कितना ही 5 किलोमीटर आई। ठीक है, मैं इसके हिसाब से जैसे अगर 15 है ना तो थोड़ा एरो ज़्यादा बना दिया, 10 है थोड़ा कम, 5 है थोड़ा और कम बना दिया। ठीक है, फाइनली शी टर्न टू ईस्ट, फाइनली वो उसने ईस्ट साइड में टर्न किया और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर के बराबर हो गया, अब वो यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस, कौन सी डायरेक्शन में है, अपने घर से वो किस डायरेक्शन में है। उसका घर यहाँ पर था, यहाँ पे मैं डायरेक्शन बना लूँ तो वो अपने घर से किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर है ना तो नॉर्दर्न साइड में है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपने बता दिया कि नॉर्दर्न साइड है, कभी कभी पूछता है कितने किलोमीटर दूर है, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो आपको सिंपल करना क्या है, कहा गया अवंतिका वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देखो डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अवंतिका 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई, अवंतिका 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई, तो मैंने 15 और नॉर्थ की जगह एम लिख दिया। क्लियर हो गया। शी टर्न्ड वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, वेस्ट साइड में गई 10 किलोमीटर, वेस्ट साइड में गई 10 किलोमीटर। क्लियर हो गया। एक ही ट्रिक क्या है, इससे आप डायरेक्शन भी बता दोगे, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी बता दोगे, सब कुछ बता दोगे, सभी ये जगह ये ट्रिक काम आएगी। ठीक है, उसके बाद कहा है देन शी टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कहाँ पे, साउदर्न साइड में, मैंने एस लिख दिया, साउदर्न साइड पे हो गया। फिर कहा गया ईस्ट में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ईस्ट में, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, कहा गया किस डायरेक्शन में है वो अपने घर से। अब सिंपल सा देखो यहाँ पर क्या है, हम जब भी अपोजिट साइड की बात करेंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे, ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे, इन्हें हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे नॉर्दर्न साउदर्न साइड है, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड है, अब ये देखो नॉर्थ और ये साउथ, क्लियर हो गया, ये वेस्ट ये ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट मैंने कहा अपोजिट साइड को कैंसिल करेंगे, ये भी 10 है ये भी 10 है, अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 वेस्ट और 10 ईस्ट कैंसिल, क्यों, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड था और अपोजिट डायरेक्शन थी, इनको हम कैंसिल कर देंगे। ये चीज़ याद रखना बस, जो भी अपोजिट डायरेक्शन होगी अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा हम उसे पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे, हमेशा माइनस करना है। 10 वेस्ट से 10 को, 10 से 10 को माइनस करोगे जीरो, और अपोजिट थी इसलिए मैंने माइनस किया। वैसे यहाँ पे नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड अपोजिट हैं, इन्हें भी हम कैंसिल करेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड तो है नहीं, काट तो सकते नहीं है, तो 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी आएगी साथ में, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ना उसके साथ जो डायरेक्शन होगी वही हमें यहाँ पे लिखनी है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसके साथ नॉर्थ है तो हम एन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो नॉर्दर्न साइड तो आ गया कि ना कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में, सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, साथ ही साथ आपको मैग्नीट्यूड भी पता लगा कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। देखो डायरेक्शन का भी पता लग गया, मैग्नीट्यूड का भी पता लग गया, उसने पूछा सिर्फ डायरेक्शन था, तो आपका यहाँ से काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इसे करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, सेम वही ट्रिक है। ठीक है, खान मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, खान ने मूव किया ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि फाइनली किस डायरेक्शन में मूव किया, वेस्ट डायरेक्शन में, कितना 8 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया खान ने। क्लियर हो गया, उसके बाद चलते हैं। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर किया लेकिन अपने राइट साइड में टर्न किया ना उसने, वेस्ट से राइट साइड की बात करिए तो क्लॉकवाइज जाना है, वेस्ट से राइट साइड कौन सी हो जाएगी, नॉर्दर्न साइड, तो नॉर्दर्न साइड में वो आ चुका है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर, यहाँ पर आने के बाद नॉर्दर्न साइड में आने के बाद फिर से राइट टर्न किया, नॉर्थ का राइट कौन सा हो गया, ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में वो आ चुका है, और कितना ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। क्लियर हो गया। देखो सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टिंग, ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कौन से डायरेक्शन में, अभी फिर से वही काम, ईस्ट और वेस्ट को हम कैंसिल कर देंगे, नॉर्थ अकेला था तो नॉर्थ को मैंने वैसे का वैसा लिख दिया, 8 वेस्ट और 5 ईस्ट है, अपोजिट है, 8 में से 5 माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, और डायरेक्शन कौन सी जो बड़े के साथ है, तो बड़े के साथ क्या है, वेस्ट। ठीक है, आपसे पूछा कि कौन सी डायरेक्शन में है वो, तो कौन सी डायरेक्शन बची, नॉर्थ और वेस्ट बची ना, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर एक ही कुछ बचता तो हम बोलते, अगर सिर्फ वेस्ट बचता हम बोलते वेस्ट डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे नॉर्थ भी है वेस्ट भी है तो हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया, मैंने आपको समझाया है, फिर भी 1 मिनट से कम टाइम पे आपको समझा दिया इसको, अगर आप खुद करोगे तो सोचो
10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ऐसे करने की कोशिश करो। कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट राजू वॉक 12 मीटर नॉर्थ। राजू ने क्या किया, 12 मीटर नॉर्दर्न साइड में गया। राजू जो है वो 12 मीटर नॉर्दर्न साइड में गया। उसके बाद क्या कहा है, ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। राइट साइड में टर्न किया, नॉर्थ के बाद राइट साइड कहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट साइड में क्लॉकवाइज जाना है। और कितना ट्रैवल किया उसने यहाँ पर, उसने वॉक किया उसने कितना, 10 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, क्लियर हो गया। उसके बाद कहा है ही अगेन टर्न राइट, दोबारा से राइट साइड टर्न किया। ईस्ट है, ईस्ट दोबारा से राइट साइड आएगा, ईस्ट है दोबारा राइट साइड आएगा, तो साउदर्न साइड में आ जाएगा, साउदर्न साइड में आ गया। और कितना ट्रैवल किया उसने, यहाँ पे उसने ट्रैवल किया 12 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ आ गया आपको, 12 नॉर्थ 10 ईस्ट 12 साउथ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक आने के बाद उसने क्या किया, टर्न लेफ्ट, यहाँ पर आने के बाद उसने लेफ्ट साइड टर्न किया, यानी कि साउथ साइड में आने के बाद उसने अगर लेफ्ट साइड टर्न किया तो दोबारा से पीछे की तरफ गया होगा, दोबारा से ईस्टर्न साइड में गया होगा, तो ईस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। और कितना ट्रैवल किया उसने, उसने ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, क्लियर हो गया। कहा गया है कि हाउ फार इज नाउ एंड, हाँ अब यहाँ पर डायरेक्शन भी आपसे पूछ लिया है और मैग्नीट्यूड भी आपसे पूछा है, कौन सी डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम तरीका है हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ, सेम मैग्नीट्यूड है, इन्हें हम कैंसिल कर देंगे। अब इसका क्या बचेगा, अब ये अपोजिट तो है नहीं, सेम इन्हें हम प्लस कर देंगे, 10 और 5 क्या हो जाएगा 15, तो 15 ईस्ट हमारे पास आ जाएगा, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे वेस्ट होता तो इन दोनों को माइनस कर देता, बट सेम डायरेक्शन दोनों को ऐड कर दूंगा और 15 ईस्ट, यानी कि 15 किलोमीटर ईस्ट आपको कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसे करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, अ पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम ए पॉइंट, देखो ये तो क्वेश्चन थोड़ा वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सी नई ट्रिक आपको समझ आएगी, मतलब सेम टू सेम वही तरीका है, एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पर क्या है, कहा गया एक पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, फिर से वही तरीका है, 1 किलोमीटर कहाँ पर, 1 किलोमीटर कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में, मैंने लिख दिया 1 नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद कहा है टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर राइट साइड टर्न किया, नॉर्थ के बाद राइट साइड टर्न करेगा तो कहाँ पर आएगा, ईस्ट साइड में आएगा, तो मैंने ई लिख दिया ईस्ट साइड, क्लियर हो गया। उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर, दोबारा से राइट साइड टर्न किया, ईस्ट के बाद राइट साइड आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, साउदर्न साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर एस लिख दिया, क्लियर हो गया। आगे चल लेते हैं, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार, फिर से कहा कि कौन सी डायरेक्शन में है और कितने दूर है अपने वहाँ से। अब यहाँ पर देखो कैसे करना है, नॉर्थ और साउथ साइड सेम मैग्नीट्यूड तो है नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और डायरेक्शन कौन सी आएगी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो 4 ऐसा हमने लिख दिया, क्लियर हो गया। 3 ईस्ट को हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो आपको पता लगे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन तो आपको पता लगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। बट यहाँ पर ऐसा होता कि एक ऑप्शन में और आपको साउथ ईस्ट दिया जाता और वैल्यू कुछ लग दी होती, फिर आप कैसे करते हैं, ऐसे तो हमने सेकंड में बता दिया साउथ ईस्ट डायरेक्शन है क्योंकि साउथ और ईस्ट आया है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड भी कैसे निकाल जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, आपको अंडर रूट कर देना है 4 का स्केयर प्लस ये जो वैल्यू होगी 3 का स्केयर, यानी कि दोनों वैल्यू का आपको स्केयर कर देना है, ठीक है। मैं वो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करूँ, एक्चुअली इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, और अंडर रूट यहाँ पे कर देना है, तो 4 का स्केयर 16 और 3 का स्केयर 9, इसको अंडर रूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25, और ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। देखो 5 भी आ गया और साउथ ईस्ट भी आ गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, लेकिन तरीका फिर से यही सेम है, इसको एक बार करने की कोशिश करूँ, तो मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे कहा गया है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना कि एक ही आदमी मूव कर रहा था, एक ही बस जा रही थी, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी, जैसे दो बसेस की बात करें या दो आदमी जा रहे हैं, दो एरोप्लेन जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आप कैसे काम करोगे, जब एक से तो दो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो कहा गया है टू बसेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम डिपो, दो बसेज हैं सेम डिपो से उन्होंने चलना स्टार्ट किया है। पहले बस एक ही बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम बस एक ही बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे बस एक ही बात कर लेते हैं। बस ए गोज 27 किलोमीटर वेस्ट, बस ए जो है वो 27 किलोमीटर वेस्ट साइड में गई, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 43 किलोमीटर, लेकिन कहाँ पर उसने राइट साइड टर्न किया, इसके बाद उसने राइट साइड टर्न किया, वेस्ट के बाद अगर राइट साइड टर्न किया तो कहाँ पर आए होंगे, नॉर्दर्न साइड में, तो यहाँ पर 43 नॉर्थ मैंने लिख दिया। इन द मीनवाइल बस बी, अब हम बस बी की बात भी कर लेते हैं साथ साथ,
बस बी की बात करें तो बस बी गोज 19 किलोमीटर नॉर्दर्न साइड, बस बी जो 19 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई। जैसे ए के लिए मैंने बनाया है वैसे बी के लिए भी बना रहा हूँ, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। 19 किलोमीटर नॉर्थ के बाद क्या हुआ, टर्न्स वेस्ट एंड गो 16 किलोमीटर। यहाँ पर नॉर्थ में आने के बाद उसने क्या किया, वेस्ट साइड में टर्न किया, वेस्ट साइड में टर्न किया और कितना 61 किलोमीटर मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, देन टर्न्स टू इट्स राइट एंड गोज 24 किलोमीटर। उसके बाद क्या, अपने राइट साइड में टर्न किया, वेस्ट के बाद राइट साइड कौन सा आ जाएगा, नॉर्दर्न साइड, क्लॉकवाइज जाना हमने, तो यहाँ पर लिख दिया और कितना किया यहाँ पे 24 किलोमीटर, क्लियर हो गया। ए का भी मैंने पूरा डेटा लिख दिया, बी का भी पूरा डेटा लिख दिया, सेम ट्रिक से अभी तक करते आए हैं। अब पूछा कि बस बी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू बस ए, वो हम अभी समझेंगे, एक सेकेंड। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर साउथ साइड है तो मैं इनको माइनस कर लेता, बट यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, इसको मैं वैसे का वैसे रख देता हूँ। बी को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखो नॉर्थ और नॉर्थ है, यहाँ पे दो साइड है, एक नॉर्थ ये है एक नॉर्थ ये है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20, 30, 39 और 43। यानी कि इसको मैं सॉल्व करूँ दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 43 नॉर्थ आ जाएगा और 61 वेस्ट को मैं वैसे का वैसे रखूँगा। यह आएगा मेरे पास बी का डायरेक्शन, ठीक है। ए का भी ये हमारे पास हो गया, बी का हमारे पास ये हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ए का हमारे पास ये आ गया, बी का हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 43 नॉर्थ है, यहाँ पर भी 43 नॉर्थ है, इनको कर दो अब माइनस, क्लियर हो गया। जब दो चीज़ों की बात की जाएगी, दो चीज़ों की बात की जाएगी, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड आएगा, उन्हें आपने कर देना माइनस, क्लियर हो गया। कैंसिल हो जाएंगे पूरी तरह से। अब आपके पास बचा क्या, 27 वेस्ट और 61 वेस्ट। अब इसको कैसे करना है ये देखो, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शन हमें पता है, हमें यहाँ पर, हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, क्योंकि सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था। अब हम मान के चलते ए जो है वो 27 वेस्ट तक आ चुका है, वेस्ट साइड, यानी कि ऐसे 27 वेस्ट में मान लेता हूँ यहाँ पर है ए, इसका मैग्नीट्यूड है 27 वेस्ट, क्लियर हो गया। और बी कहाँ पर है, अब 61 वेस्ट, क्योंकि यहीं से चलना स्टार्ट किया था, बी भी वेस्ट साइड है तो बी भी यह कहीं पर होगा, तो बी मान के चलो ये बी हमारे पास आ गया यहाँ पर, बी कहाँ पर है 61 वेस्ट में, ठीक है, यह गया हमारे पास बी का। अब पूछा गया आपसे वेयर इज बस बी, बस बी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू बस ए, इसके रिस्पेक्ट पे, ए के रिस्पेक्ट पे बस बी कहाँ पर है, तो इतना तो हमें पता है कि इसके रिस्पेक्ट पे बस बी कौन सी साइड में है, वेस्ट साइड में है, तो यानी कि वेस्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन कितने डिस्टेंस पे है वो आपको बता रहा है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है। टोटल 61 है, उसमें से 27 माइनस कर दो तो ऑप्शन आपके पास डी करेक्ट रहेगा, 34 किलोमीटर वेस्ट। एक बार फिर से समझा देता हूँ कैसे करना है। आपने ए का पूरा सॉल्व किया, आपने बी को सॉल्व किया, सेम सेम चीज़ों को आपने कैंसिल कर दिया, जो तो दो चीज़ें आपके पास बच जाएंगी। आपने एक पॉइंट लिया, वहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने पॉइंट लिया था, ए यहाँ तक आ चुका था और बी यहाँ तक आ चुका था। आपसे पूछा कि बी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो ए पे डायरेक्शन बना लो, यानी कि पता लगे कि इस तरफ है कि वेस्ट डायरेक्शन में है और कितने दूर है, टोटल में से ये माइनस कर दो, क्लियर हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आके डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना आंसर क्या होंगे। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन पे, इंपॉर्टेंट जो भी कैटेगरीज मैंने आपको सभी करवा दिए। इसके बाद जब भी कोई एग्जाम आएगा ना, पहले जैसे मान चलो SI का एग्जाम पहले आता है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगा। JKSSB का कोई एग्जाम पहले आ जाता है, जूनियर असिस्टेंट को भी एग्जाम पहले आ रहा है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगा। बस आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आपको बस ये करना है कि जो भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है उन्हें शेयर करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचाना है, ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। बाकी आप प्ले लिस्ट में जाओ, चैनल की प्ले लिस्ट आपको मिलेंगी, वहाँ पर साइड में जाकर आपको ऊपर प्ले लिस्ट मिलेंगी, वहाँ पर जाकर कई सारे सेक्शन मिलेंगे, कई सारी वीडियोज़ मिलेंगे, उनको भी देखो अगर अच्छी लगे तो उनको भी जरूरी शेयर करना, ठीक है। आपको पता है कि हमारा चैनल पूरी तरह से डेडिकेट है JNK के लिए, JNK के स्टूडेंट्स के लिए, जितना आप दूर तक पहुंचाओगे उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। अब यहाँ पर देखो कहा गया है अ वॉच रीड्स 4:30, एक घड़ी है उसमें टाइम दिखा रहे हैं 4:30, ठीक है, 4:30, एक घड़ी हमने बना ली, उसमें टाइम कितना दिखा रहा है 4:30। चलो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये हमारे पास मान के चलो घड़ी है, ठीक है, ये इसमें आ गया हमारे पास
12, ये आ गया मेरे पास 6, ये आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास 9, ठीक है। कहा क्या क्या है, इसको 1 दे दो, इसको नाम 2 दे दो, इसको नाम 4 दे दो, इसको नाम 5, ऐसे 7, ठीक है, 9, 8, 9, 10, 11, ये एक हमारे पास वॉच आ गई, ठीक है, जैसी भी है लेकिन है। यहाँ पर कहा गया टाइम कितना रहा है, 4:30, 4:30 का यहाँ पर टाइम आ रहा है, क्लियर हो गया। यह भी क्वेश्चन में गिवन है, कहा गया है इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, अगर मिनट वाला जो हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर हम इसकी बात करें ये ईस्ट डायरेक्शन में है तो बताओ कि ये वाला जो हैंड है ऑवर वाला जो है वो कौन से डायरेक्शन में है। ये अगर ईस्ट साइड में, अब ये साउथ साइड में है ना, उसने कहा कि मान के चलो कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे इसको ईस्ट डायरेक्शन बना देते हैं। तो आपसे इसके बारे में पूछा वो बताना है। अब देखो ईस्ट का आपको पता है ना, ईस्ट के अपोजिट में क्या हो जाएगा, वेस्ट। ईस्ट के अपोजिट में क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब आपको कौन सा पता करना है, अब देखो ईस्ट है ना, ईस्ट से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे, ईस्ट से अगर हम एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ। ईस्ट से हम लेफ्ट साइड एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो हमारे पास आएगी नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर हो गया। और उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, साउथ डायरेक्शन। ये चार डायरेक्शन हमारे पास सामने हैं। अब आपसे क्या पूछा है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट रहेगा। आगे समझ, बाकी किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। थैंक यू।